हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। ऑल योर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग 2। उसमें यूनिट नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया है, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसमें लास्ट लेक्चर में हमने दो अलग और तरह के सम कैलकुलेट किए थे, सेम उसी पैटर्न से जो यूनिवर्सिटी में कई कम बार पूछते हैं, वैसे ही कुछ सम आज के लेक्चर में भी मैं करवाने जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वीक हमारे ये चैप्टर का एंडिंग पार्ट होगा, जिसमें बुक के थोड़े से और सम एंड एक यूनिवर्सिटी सम आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमें एग्जाम्पल नंबर 18 से शुरू करना है। अब ये वाले सम भी ऐसे हैं कि जिसके साथ मैं कोई होमवर्क नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में उसके जैसे सम है ही नहीं, पर थोड़े अलग तरह के सम है तो हम कैलकुलेट करेंगे। चलो एग्जाम्पल अगर 18 पेज नंबर पहुंच जाओ 56, रीडिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान आपका टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। अमिस कंपनी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सेल्स आपको दिया हुआ है 40,000 यूनिट एट 60 पर यूनिट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है। नो चेंज इन रिपोर्टेड प्रोडक्शन कॉस्ट इन प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, प्रोडक्शन प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में सेम है। फिर उसके बाद नो नॉर्मल प्रोडक्शन एंड सेल्स आर आइडेंटिकल, नॉर्मल प्रोडक्शन सेल दिया नहीं है हमें। ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज 10,000, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन में 10,000 ज्यादा लिखा है, तो ये तो इन्फॉर्मेशन हुई। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में हम जो फैक्ट्री कॉस्ट लिखते हैं ना, उसमें 10,000 ज्यादा लिखा है। चलो आगे, फिर अदर इन्फॉर्मेशन, और आप टेबल देखोगे तो थोड़ा सा अलग टेबल आपको दिया हुआ है, पर्टिकुलर देन मार्जिनल कॉस्ट देन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट एंड देन डिफरेंस। तो मतलब ऑलरेडी आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के स्टेटमेंट में आप लिखते हो, जैसे कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बता दिया है आपको, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो ना, वो प्रोडक्शन कॉस्ट है 1 में, मार्जिनल में 35, जबकि एब्जॉर्प्शन में 40, और डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज 5। देन ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। फिर आपको नीचे बताया गया है प्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री इज वेरिएबल ओवरहेड इज 3:2:2, यानी कि मटीरियल, लेबर एंड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, इन तीनों का रेशियो हमें प्रोवाइड किया गया है। फिर उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एज पर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के स्टेटमेंट का आपको नेट प्रॉफिट का आंसर मांगा है। चलो हम कहां से शुरुआत करेंगे, हम ऑलवेज अपनी दो नोट्स के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नोट नंबर 1, फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड रेट कैसे मिलेगा, बजटेड फिक्स ओवरहेड अपॉन बजटेड प्रोडक्शन। देखो यहाँ पर हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दैट इज फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड रेट। कहाँ दिया गया है, तो देखो एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल के बीच की प्रोडक्शन कॉस्ट का डिफरेंस, दैट इज योर फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड रेट, तो हमें इसका आंसर प्रोवाइडिंग है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद बजटेड प्रोडक्शन मुझे कहीं नहीं लिखा है, और तो मुझे बजटेड फिक्स ओवरहेड दिया हुआ है, वो भी नहीं दिया हुआ है, वो भी कहीं अभी तक तो नहीं लिखा है, पर उसका मतलब कहीं ना कहीं हमें कोई और हिंट दिया गया होगा, तो अभी नोट नंबर 1 मेरा लटका हुआ है, ठीक है। तो अब नोट नंबर 2 पे जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट, और उसके लिए मुझे नीचे ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के बीच का कुछ डिफरेंस, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वगैरह या फिर प्रोडक्शन या सेल कुछ तो दिया हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं वहां से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास है सेल, सेल के कितने यूनिट है, तो मेरे पास सेल का यूनिट है 40,000, ठीक है। अब उसके बाद अगर मुझे आगे बढ़ना हो तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ है, उसको अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आपको ये मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, तो मैं देखो ओपनिंग स्टॉक में दिखा रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक इन मार्जिनल स्टेटमेंट 2,80,000 है, उसको 35 अपनी कॉस्ट के साथ डिवाइड करो तो शायद तक आपको ये यूनिट मिल जाएंगे। Yes, ये यूनिट आएंगे 8,000, कितने यूनिट आएंगे 8,000। इसी तरीके से देखो इसको मैं राउंड अप कर रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक अगर मुझे ढूंढना हो तो क्लोजिंग स्टॉक वहां पे 3,50,000 दिया है, उसको भी मैं 35 से डिवाइड करूँ तो मुझे ये मिल जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक, हाँ वो भी मिल जाएगा, आई थिंक वो आएगा 10,000। तो देखो अब मेरे पास रास्ता है, इसके उल्टा जाओ तो इसमें ये प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 50 आएगा। अब
ऐसे कौन सा डिफरेंस है जिसमें मैं ऐड करूं तो ये 50 मिलेगा, आई थिंक 42,000। तो देख सकते हो आप, ये प्रोडक्शन क्वेश्चन मार्क से मिला, ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी इस तरीके से मिला। तो ये नोट में क्या नया सीखने को मिला, हमारे पास वैल्यू है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की, पर यूनिट हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसके साथ डिवाइड किया तो मिल जाएगा। अगर आप एब्जॉर्प्शन का दो ना तो नीचे 40-40 रखना पड़ता है, और एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट भी आपको बाजू में प्रोवाइड की है, तो भी ये यूनिट तो सेम ही आएंगे। ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, मैंने मार्जिन आपके स्टेटमेंट में यूज किया है। चलो, तो इसका मतलब अब ये खत्म हो गया, पर अभी भी मेरे पास बजटेड फिक्स ओवरहेड लटका हुआ है, तो उसके लिए मेरे पास अब आ रही है हमारी पहली बार नोट नंबर 3। दैट इज नोट नंबर 3 किसके लिए बना रहा हूं मैं, फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड। अब कैसे फाइंड आउट होगा, तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में हमारे पास इसकी वैल्यू है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फैक्ट्री फिक्स की वैल्यू 210,000। ओके, वो कहां दिया हुआ है, तो उसके लिए मेरे पास डिफरेंस है, राइट, डिफरेंस है आपके पास 10,000। तो आप देखते जाओ अब मैं ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर रहा हूं। हमें पता है कि फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड का रेट 5 रुपए है, राइट, और अब हमारे पास प्रोडक्शन की यूनिट भी है, तो मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक एज पर फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड मिल जाएगा। कैसे, तो 5 उसका रेट है, 42,000 यूनिट है प्रोडक्शन के, दैट इज प्रोडक्शन यूनिट, करो तो मल्टीप्लाई, आई थिंक 210,000 आएगा। तो फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड एज पर एब्जॉर्प्शन इतना है, अब हमने उसमें ओवर वैल्यू लिखा है, तो यहां मुझे अगर एज पर मार्जिनल चाहिए, एज पर मार्जिनल अगर मुझे फैक्ट्री का चाहिए, तो मुझे ओवर वैल्यू है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ओवर वैल्यू ऐसे कहां आया है, एडजस्टमेंट नंबर 4 में। देखो, एडजस्टमेंट नंबर 4 में आपको ये बताया गया है कि फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड 10,000 ज्यादा लिखिए, तो 10,000 यहां से मैं माइनस करूं तो मुझे मार्जिनल का कितना मिलेगा, 2 लाख। कैसा आया आंसर, फिर से एक बार बता रहा हूं, वही कॉन्सेप्ट, मार्जिनल में आपने 2 लाख लिखे हैं, एब्जॉर्प्शन में 210 लिखा है, यानी कितना ज्यादा लिखा है, 10,000। वहां स्टेटमेंट में हम भले प्लस करते हो, पर अगर हमारे पास एब्जॉर्प्शन की वैल्यू है और मार्जिनल की वैल्यू ढूंढनी है, तो मुझे ओवर वैल्यू यहां से माइनस करनी पड़ेगी ना, राइट। तो अब ये 10,000 की वजह से मुझे मिला मार्जिनल एस पर मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड, तो उसकी वैल्यू अब मैं यहाँ पे रखू 2 लाख इस तरीके से, और नीचे बजटेड प्रोडक्शन में एक्स, तो मुझे एक्स की वैल्यू अगर चाहिए तो क्या होगा, 2 लाख/5 ऐसा होगा, राइट। तो अब हमारे नोट नंबर 1 का आंसर हमारे पास कितना आएगा, तो वो आंसर आएगा 40,000। तो ये मुझे मिला मेरा बजटेड प्रोडक्शन, यानी कि ये वाला आंसर। देखो, ये नोट्स हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, अब हम जाएंगे अपने पहले इनकम स्टेटमेंट पे एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, तो प्रोडक्शन के एंड सेल्स के यूनिट कॉपी करेंगे। चलो, प्रोडक्शन के यूनिट है हमारे पास 42,000 एंड सेल्स के यूनिट है 40,000। सबसे पहले सेल्स से शुरुआत करते हैं, सेल्स की सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है, आपको पहले इंफॉर्मेशन में बताया गया है 60, करो 60 रुपीज को मल्टीप्लाई अपने सेलिंग यूनिट के साथ। चलो, हमारे पास आंसर आएगा, राइट, तो फर्स्ट आंसर सेल का आएगा 24 लाख। देख सकते हो आप, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब स्टेटमेंट में हमें अगर मार्जिनल का है तो हमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करनी होती है। यहाँ पे उन्होंने वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऐसा दिया नहीं है, पर इन तीनों के बीच का रेशियो दिया है, और टोटल हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट हमें दे दिया है, कितना दिया है, 35, और रेशियो कितना है इन तीनों के बीच का, 3:2:2:2। तो 35 को इन तीनों के बीच में डिवाइड करो तो डायरेक्ट मटेरियल लेबर एंड प्रोडक्शन मिल जाएगा आपको, कितना कितना मिलेगा, आई थिंक 15, 10 एंड 10 इस तरीके से। चलो, 35,000 को मल्टीप्लाई करो तो 42,000 के साथ हमारा पहला आंसर यहाँ पे आएगा 14,17,000। और मैंने आगे आपको एग्जाम में कहा कि इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखो ऑलवेज, तो चलो उसको मैं लिख देता हूँ 6,30,000। किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्शन यूनिट के साथ, 4,20,000 एंड 4,20,000। चलो, तो इसको भी लिखना चाहिए ऑलवेज,
डायरेक्ट टोटल को मल्टीप्लाई करोगे वो तो चल जाएगा, पर इसको भी लिखना चाहिए। चलो और ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक 8,000 and 10,000, और वैसे भी इन्होंने ये तो प्रोवाइड कर दिया है, ये 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आने वाला है। 2,80,000 प्लस करना है और 3,50,000 माइनस करना है। ये कहाँ दिया हुआ है? ऑलरेडी इन क्वेश्चन में आपको टेबल में दिया हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, तो आप देख सकते हो। चलो फिर उसके बाद करो इसको प्लस करो इसको माइनस, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आंसर आएगा 14 लाख। चलो 14 लाख को 24 में से माइनस करो, ए में से बी, 10 लाख आंसर आएगा। क्या मिलेगा वो? प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन। अब बारी है बाकी के सारे खर्चे माइनस करने की। आगे क्वेश्चन में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग रेडीमेड दिया हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सब कुछ माइनस करना है। चलो ये लिखते जाए हम, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कर लेते हैं। फिक्सर 1,50,000, चलो मैं ये लिखा मैंने 150। फिर उसके बाद है वेरिएबल, उसमें 1 लाख, ये मैंने 1 लाख लिखा। फिर सेलिंग भी आपको दिया हुआ है 150 फिक्स की, एंड वेरिएबल दिया हुआ है 50,000 इस तरीके से। एंड लास्ट में मार्जिनल में क्या माइनस करता है? फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड, वो हमें मिला है नोट नंबर 2-3 से भी मिला है, ठीक है। पहली बात 2 लाख रुपए है, यहाँ पर मैंने लिखा 2 लाख। चलो करो तो माइनस, फर्स्ट स्टेटमेंट का प्रॉफिट हमारे पास आंसर आ चुका है, कितना आंसर आएगा? 3,50,000 आंसर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, इस समय वाले समय नया क्या सीखा आपने, आंसर बेसिक क्वेश्चन पे गए हम, ठीक है। और अब आप इतना दोनों कॉपी करोगे और मैं वहां पे एब्जॉर्प्शन का पूरा टेबल बना रहा हूँ। चलो मार्जिनल के बाद अब हम एब्जॉर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग का पूरा स्टेटमेंट बनाएंगे और थोड़ा सा उसमें लिटिल लिटिल चेंज होगा। अब आपको ये सिस्टम पता चल गई होगी कि जब हम एब्जॉर्प्शन का टेबल बनाते हैं तो सेल तक तो एज इट इज लिखना है, यानी ए नंबर तो कॉपी पेस्ट ही करना है। फिर उसके बाद हम लेस करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? वेरिएबल एज वेल एज फिक्स बोथ। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या ऐड करना है? हमें सिर्फ ऐड करना होता है फैक्टरी फिक्स्ड ओवरहेड रेट, और वो रेट कितना था? वो था 5, और ऑलरेडी आपको ये बताया गया था कि आपको 40 रुपीज प्राइस लेनी है। चलो तो अब ये 5 सीधा ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 5 × 42, आंसर आएगा 2,10,000। चलो यहाँ से आगे बढ़े, 40 × 42,000, तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 16,80,000। और उसके बाद अगर हम ओपनिंग स्टॉक प्लस और माइनस करें क्लोजिंग, तो उसकी वैल्यू भी हमें कितनी लेनी है? 40, 40। और ये आंसर तो ऑलरेडी आपको टेबल में दिया हुआ है, देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 3,20,000, और मल्टीप्लाई से भी ले सकते हो, और दूसरा क्लोजिंग का आंसर आपको दिया गया है 4 लाख। रेडी स्टडी एंड गो। चलो अब सीधा हमें प्लस करना है, नया क्या आया एब्जॉर्प्शन की वजह से, ये फैक्टरी ओवरहेड रेट उसमें प्लस हो गया जो वेरिएबल था उसमें। चलो इसको प्लस और माइनस करो, हमारे बी का आंसर जिसको हम एब्जॉर्प्शन में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? COGS। चलो COGS का आंसर कितना आएगा आपके पास? वो आंसर आपके पास आएगा यस 16 लाख। अब 16 लाख को ए में से माइनस करो तो आपका ए माइनस बी दैट इज कॉल्ड GP, क्या बोलेंगे इसको? जीपी का आंसर 8 लाख। देखो शुरू होते ही खत्म होने को आया टेबल, फिर उसके बाद उसमें से बाकी के सारे खर्चे माइनस करते हैं, और लास्ट में प्लस या माइनस ओवर और अंडर वैल्यू ऑफ, किसकी ओवर और अंडर वैल्यू? फैक्टरी फिक्स ओवरहेड। चलो फैक्टरी फिक्स ओवरहेड, आगे 2 लाख लिखा था, यहाँ पे 2,10 लिखा है, यानी ओवर लिखा है, और वे तो हमें क्वेश्चन में भी बता दिया गया था कि यहाँ पे हमने फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड को ज्यादा लिखा है, कितना ज्यादा लिखा है? 10,000 ज्यादा लिखा है। तो 8 लाख में ये सब कुछ माइनस करो और ये प्लस करो, हमारे नेट प्रॉफिट का आंसर सेकंड स्टेटमेंट के मुताबिक आ रहा है 3,60,000। चलो ये तो आपको इजीली समझ में आ गया, तो उन्होंने जो दो आंसर मांगे थे क्वेश्चन में, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन का स्टेटमेंट के हिसाब से नेट प्रॉफिट वो आ गया है। अब आपको इसमें रिकंसिलिएशन बनाना हो तो वो अपने आप कर सकते हो। चलो तो आज के दिन का एक और अच्छा सा करता है एग्जांपल नंबर 13 पेज नंबर 51 इन योर टेक्स्ट बुक।
अगेन इसके साथ भी कोई होमवर्क नहीं है, तो जो क्लास वर्क में मैं कर रहा हूँ वही आपको होमवर्क में अच्छे से कर लेना है, तो आपके लिए फायदा ही फायदा है। अब टेक्स्ट बुक के कुछ और अलग तरह के सब ले रहा हूँ, चलो उसमें एक और सम जोड़ दो, एग्जाम्पल नंबर 13, थोड़ा सा अलग रिप्रेजेंट दिया हुआ है, अच्छे से रीड करना जरूरी। चलिए पेज नंबर आपको भी होने चाहिए 51। The following information is extracted from the course record of Nazmin Company Limited. Nazmin Company की कुछ information दी है, जिसमें से पहली information, production cost of goods produced are follow. भाई production cost जैसे आगे पर unit दिया था ना वैसे ही आपको दिया गया है, as per marginal system 2,50,000 and as per absorption 3,00,000. Budgeted production is 12,500. Budgeted production का मतलब ये वाला। चलो फिर उसके बाद budgeted factory overhead ये वाला दिया हुआ है, तो rate easily मिल जाएगा। Information number third, unit of sale 12,000, unit of production 10,000, unit of closing stock is 10% of production, unit of opening is 25% on sale. ये सारी information unit के लिए दिया है हमारी second note के लिए। चलो फिर उसके बाद पेज टर्न करोगे, इंफॉर्मेशन नंबर 4, डेंजरस इंफॉर्मेशन कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, जैसे कि एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर दिया हुआ है, यानी कि COGS तक जहां तक हम पहुंचते हैं ना उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है। एज पर मार्जिनल डायरेक्ट मटेरियल इज 2/5 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, अब ये रेशियो दिया हुआ है कि इसका इतना है, ये मटेरियल इसका इतना है, तो वो डायरेक्टली हम सब में समझेंगे। तो इंफॉर्मेशन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये वाला सब इसीलिए अलग है। चलो फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन नंबर 5 पे कंसंट्रेट करते हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग मार्जिनल ओवरहेड आपको दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव का सेलिंग का, फिर नॉन मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग का। अब ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन के अलावा जो हम लास्ट में माइनस करते हैं वही, तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का वेरिएबल एंड फिक्स अलग से दिया हुआ है। चलो तो वो भी हमें काम में आएगी। आंसर क्या मांगा है, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑन द कॉस्ट बेसिस एज पर एब्जॉर्प्शन एंड एज पर मार्जिनल, यानी कि दो स्टेटमेंट उन्होंने मांगे हैं, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन बेसिस। तो ये स्टेटमेंट पे डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले हम क्या करेंगे अपनी दो छोटी छोटी नोट्स प्रिपेयर करेंगे। चलिए नोट नंबर 1 से मैं शुरू कर रहा हूँ, सबसे पहले फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड रेट, और उसके लिए मेरा ध्यान इंफॉर्मेशन नंबर 2 में जा रहा है, हमारे पास बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड भी है 62,500 एंड प्रोडक्शन भी है 12,500, करो तो इन दोनों को डिवाइड, आपके पास रेट आएगा आई थिंक 5 रुपए। चलो रेट मिल जाने के बाद अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट पे जाएंगे, और उसके लिए इंफॉर्मेशन नंबर 3, सबसे पहले मुझे लिखा सेल कितना है 12,000, तो ये मैंने लिखा सेल 12,000, प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है तो वो 10,000 है, तो उसको ओपनिंग में प्लस करता है, ठीक है। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है, मैं क्लोजिंग के लिए इंफॉर्मेशन लिखूं, क्लोजिंग प्रोडक्शन का 10% है, तो ये प्रोडक्शन के 10,000 यूनिट निकाला उसका 10%, तो आई थिंक 1,000 आंसर आएगा। चलो उल्टा जाए तो ये मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, इसको उल्टा जाओ तो यहाँ पे 13, अब इसमें उल्टा जाओ तो यहाँ पे क्या कितना आएगा, तो 3,000 आई थिंक। अब मुझे ये 3,000 आंसर वेरीफाई करना है, उन्होंने ओपनिंग स्टॉक के लिए क्या बोला है, तो ओपनिंग स्टॉक सेल का कुछ 25% बोला है, तो देखो तो मैं ये काम कर सकता हूँ, 12,000 सेल का यूनिट उसका 25%, तो भी आंसर 3,000 आएगा। अब सीधा भी चेक करोगे तो भी आ जाएगा, तो ये हमारी दो नोट्स यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। अब हमारा मेन कॉन्सेंट्रेट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टेटमेंट। चलो स्टेटमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करें, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, आपका एक टाइप का रिविजन भी हो रहा है ये चैप्टर का, अच्छे से देखो। सबसे पहले मार्जिनल में प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट को कॉपी करेंगे, चलो ये रहे प्रोडक्शन के यूनिट 10,000, तो ये मैंने लिखा 10,000, फिर उसके बाद सेल के यूनिट 12,000, ये मैंने लिखा 12,000। अब शुरुआत कहां से होगी, सेल्स के साथ, और सेल्स के यूनिट आपके पास है सेलिंग प्राइस के लिख रही है, नो सेलिंग प्राइस इज नॉट गिवन, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। चलो सेलिंग प्राइस है ही नहीं तो हम सेल पे कैसे जाएंगे, चलो तो उन्होंने तो यस prepare a statement of cost on the basis of absorption and marginal costing, तो ये income statement नहीं, हमें सिर्फ cost का answer मांगा है, यानी कि यहाँ पे मुझे heading change करना पड़ेगा, statement of cost करना पड़ेगा, क्या बदलूंगा मैं heading,
इनकम उन्होंने नहीं मांगा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या बच जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब हमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट, तो कॉस्ट के लिए तो सेल्फ सेल्फ दिखावे के लिए है, सेल्फ लिखना नहीं है। ये जो अपना स्टेटमेंट है ना वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। कैसे रिवाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट मिलेगी ना, फिर उसमें बाकी के खर्चे माइनस करते तो हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। अब ये खर्चे माइनस नहीं करेंगे, अब ये खर्चे इसमें प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो लेस करते थे वही चीज क्या करनी है हमें, ऐड करनी है। क्योंकि जब कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो कंट्रीब्यूशन भी नहीं आएगा, ये वेरिएबल प्रोडक्शन जो कॉस्ट है अपनी उसमें बाकी की सारी कॉस्ट अगर आप जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। किसका आंसर मिलेगा, टोटल कॉस्ट। तो एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग अब हमें सिर्फ कॉस्ट प्रिपेयर करना है। तो क्या चेंजेस है, सबसे पहले तो सेल होगा नहीं, सिर्फ हम फॉर्मेट के लिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, उसमें से लेस नहीं करना है, हमें सीधा आंसर फाइंड आउट करना है स्टार राइटिंग करके वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का। चलो कैसे जाएंगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर, तो उसके लिए आपका ध्यान इंफॉर्मेशन नंबर 4 पे जाना चाहिए, डेंजरस इंफॉर्मेशन नंबर 4। और इंफॉर्मेशन नंबर 1 पे आप आओगे तो मार्जिनल कॉस्ट आपको टोटल दिया हुआ है, देखो 250,000, तो वो मैं कहां लिख सकता हूं, तो वो मैं यहां पे लिख सकता हूं 250,000। अब मुझे पर यूनिट इसका आंसर चाहिए, तो पर यूनिट के लिए आप क्या करोगे, उसी को डिवाइड करो प्रोडक्शन यूनिट के साथ। तो देखो वो काम कैसे होगा, तो वो काम यहाँ पे मैं आपको ब्रैकेट में लिख के समझा रहा हूँ कि 250,000 को आपने डिवाइड किया है 250,000 डिवाइड बाय 10,000, तो आपके पास पर यूनिट इसका आंसर आएगा 25, राइट। तो ये 25 कहाँ से आए, ये 250 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रोडक्शन वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट एज पर मार्जिनल वो मैंने लिखा, उसको प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ डिवाइड किया तो मुझे आंसर 25 मिला। अब बाकी के आंसर के लिए आपको क्या करना है, ये जो अंदर दिया हुआ है उसको सिर्फ यूज करना है। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल के लिए देखो तो आप इंफॉर्मेशन नंबर 4 उसमें ए उसमें फर्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 2/5 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का 2/5 है। अब हमें पर यूनिट अगर ना चाहिए तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 250,000 ये टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है अपनी उसका 2/5 है ये वाला, तो निकालो उसका 2/5, आंसर आपके पास डायरेक्ट मटेरियल का आ जाएगा और वो आंसर आपके पास आएगा 1,00,000 का। कितना आंसर आएगा, 1,00,000। अब आपके पास अच्छा करेंसी है बस उसका यूज कर रहे हैं। सेकंड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 3/4 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ये रहा डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल का कितना लेना है हमको, 3/4, तो 3/4 ले लो डायरेक्ट मटेरियल का, यानी कि 1,00,000 का 3/4 तो 3/4 लो, चलो तो 3/4 का आंसर आपके पास कितना आएगा, 75,000। देख सकते हो आप कि मुझे ये आंसर मिल रहा है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए उन्होंने क्या कहा है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज 1/2 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल आपके पास 1,00,000 है, निकालो 1,00,000 का 1.5 यानी हाफ आधा हिस्सा, तो 50,000 ही आएगा। अब ये आंसर कैसे आ रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद फैक्ट्री मार्जिनल ओवरहेड, फैक्ट्री मार्जिनल ओवरहेड का मतलब ये होता है वेरिएबल, तो वो किसका है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि ये वाला, तो चलो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का 1.5 यानी कि 50,000 का 1.5 करो, चलो 1.5 यानी कि 25,000 आएगा। अब इसका टोटल एक बार चेक कर लो कि 4 to 50 आप समझ लो आपने जो ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसमें कोई गलती नहीं की है, ठीक है। तो ये मार्जिनल के लिए ही हमने काम कर दिया। चलो उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक पे जाए। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के आपके पास ऑलरेडी यूनिट है, ये देखो 3000 यूनिट एंड 1000 यूनिट, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये रहा 25 के साथ, करो तो जरा मल्टीप्लाई, आंसर आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक का 75,000 जो कि हमें प्लस करना है, एंड क्लोजिंग का आएगा 25,000 जो कि हमें माइनस करना है। करो प्लस और माइनस, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आपके पास आएगी 3,00,000, कितना आंसर आएगा 3,00,000। अब रूल के मुताबिक जब हम इनकम के लिए काम करते थे तो बाकी की कॉस्ट हम माइनस कर देते, ध्यान रखना एग्जांपल नंबर 13 में अब वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में मैंने कंट्रीब्यूशन भी नहीं डाला क्योंकि सेल की जरूरत नहीं है,
उन्होंने टोटल कॉस्ट आंसर मांगा है, तो बाकी की सारी कॉस्ट में प्लस माइनस कर दूं, प्लस कर दूं, चलो कौन कौन सी आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन नंबर 5 एंड 6, पहले मैं वेरिएबल देख लेता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव की वेरिएबल है 15,000, ये मैंने लिखा 15,000 वेरिएबल, फिर फिक्स है 50,000, ये मैंने लिखा 50,000, चलो उसके बाद सेलिंग पे जाओ, तो सेलिंग की फिक्स मुझे लिख रही है 75,000, और फिर उसके बाद और लास्ट वाली है वेरिएबल वो 22,500, करो सबको प्लस, और लास्ट में फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड भी क्या होता है, प्लस होता है, ये रहा अपना फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड 62,500, तो उसको भी प्लस करना पड़ेगा ना, तो करो 62,500 को भी प्लस। अब हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, दैट इज 5,25,000, कितना आंसर 5,25,000, चेक करो आंसर में कि एज पर मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का आंसर इतना आ रहा है, और टेक्स्ट बुक में आप चेक करोगे पहले लाइन में ही आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो देख सकते हो हमारा एग्जांपल नंबर 13 दो नोट्स और पहला स्टेटमेंट मार्जिनल का यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। इतना आप कॉपी करो तो मैं एब्जॉर्प्शन का वहां पे पूरा टेबल आपको समझा सकूं। चलो मार्जिनल के बाद अब बारी आ रही है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, और हमारे पास एब्जॉर्प्शन का पूरा टेबल रेडी है, तो अब इसमें चेंजेस कहां आएंगे, तो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए उन्होंने है ना नोट नंबर 4 में अलग से ही वर्क करने के लिए बोला है। सबसे पहले अब हम अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन जो हम लिखना चाहे तो उसका आंसर आपको नोट नंबर 1 से मिल जाएगा। यहां पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की टोटल कॉस्ट जो आपको बताई गई है वो है वैल्यू रुपीस 3 लाख, कितनी है 3 लाख। अब मैं 3 लाख को पर यूनिट डिवाइड करना चाहूं तो 3 लाख डिवाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट कितने हैं 10,000 से डिवाइड कर सकता हूं, तो आंसर कितना आएगा 30। जब हम ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मुझे 30 कैसे मिला, तो अंदर ऑलरेडी नोट नंबर 1 में हमें प्रोडक्शन कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दिया हुआ है, नोट नंबर 1 आप चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद नोट नंबर 4 में आओ और उसमें ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो प्रोवाइड किया हुआ है। चलो स्टार्ट करो मैं, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 33.1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का कुछ 33.33% दिया है, यानी कि 3 लाख का 33.1/3 का मतलब क्या होता है 33 पॉइंट, ठीक है। अब देखो कैलकुलेटर में जब आप 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 33.33 करोगे तो प्रॉब्लम आएगा, जितनी बार कैलकुलेटर में हो सके 33.3333 लास्ट में 4 ले सकते हो, ऐसा मल्टीप्लाई करोगे तो राउंड फिगर आपको आंसर मिल जाएगा। राउंड फिगर आंसर लाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। तो ये वैल्यू आएगी 1 लाख, कितनी आएगी 1 लाख। चलो ये कैसे आया फिर से बता रहा हूँ, डायरेक्ट मटेरियल टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का 33.33% है, और डायरेक्ट लेबर एज पर एब्जॉर्प्शन सिस्टम कैसे बोला है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 75% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये जो आपकी मटेरियल कॉस्ट आई ना 1 लाख, 1 लाख के ब्रैकेट में मैं लिखूं डीएम डायरेक्ट मटेरियल, उसका कितने परसेंटेज है, उसका है 75%, निकालो 75%, तो आंसर आई थिंक 75,000 आएगा 1 लाख का। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट में अगर हम आगे बढ़े तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट मटेरियल का 50% है, तो ये रहा डायरेक्ट लेबर, चलो डायरेक्ट लेबर में मैं लिखूं 75,000, यस मटेरियल का मटेरियल यानी कि 1 लाख, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, एंड उसका कितने परसेंट बोला है 50%, 50%, निकालो तो जरा 50%, 50,000 आंसर आएगा, क्योंकि 1 लाख का आधा 50,000 होता है। चलो फैक्ट्री मार्जिनल ओवरहेड वो एक्सपेंसेस का 50% है, एक्सपेंसेस यानी कि ये वाला तीसरा इंफॉर्मेशन, तो 50,000 यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कितने परसेंट बोला है 50%, तो इसका 50% 22,500 होता है, इस तरीके से नहीं 25,000 होगा, सॉरी क्लियर, 50,000 का हाफ तो 25,000 ही होगा ना। चलो फिर उसके बाद एक और उसमें एक्स्ट्रा जोड़ लो, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या ऐड हो जाता है फैक्ट्री फिक्स्ड वेरिएबल के साथ साथ फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड भी जुड़ जाता है। अब ओवरहेड के लिए उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन बोला है, 66.2/3 ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट,
66 टू थर्ड का मतलब होता है आपका पॉइंट में अगर आप उसको फिर कन्वर्ट करोगे तो 2 डिवाइड बाई 3 यानी कि 66 होता है वो, 67 भी ले सकते हो आप। तो उसको किसको लेना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का, ये रहा अपना डायरेक्ट लेबर यानी कि 75,000 का। चलो 75,000 यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, दैट इज डायरेक्ट लेबर, और उसका 66.666666 तक जहाँ पे जा सकते हो वहाँ तक जाना है। तो आपको ये राउंड फिगर आंसर मिलेगा 50,000। कितना आंसर मिलेगा, 50,000। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हुआ है, किसमें, अब हमारी है एब्जॉर्प्शन की। चलो अब हमें फॉर्मेट पता है, प्रोडक्शन में ओपनिंग प्लस किया जाता है क्लोजिंग माइनस, ओपनिंग स्टॉक 3000 यूनिट, क्लोजिंग 1000, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 30 के साथ। चलो करो तो मल्टीप्लाई, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का आंसर आपके पास आएगा, यस 90,000 एंड 30,000, 90,000 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 30,000 माइनस। चलो तो हमारे पास ये कौन सा आंसर आएगा, COGS, करो तो COGS का आंसर, ओके COGS, आई थिंक 360,000 आंसर आएगा, राइट। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एज इट इज रखना चाहिए था, चलो ये फिर से लिख देता हूँ मैं। मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल में ये है हमारे पास 15,000, फिर ये है हमारे पास 42,500 एंड फिक्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव में 50,000 एंड सेलिंग में हमारे पास है 75,000, ये तो एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। जैसे मुझे COGS मिला, अब मुझे टोटल कॉस्ट का आंसर चाहिए, तो बाकी की सारी मैं जो भी कॉस्ट है वो प्लस कर दूंगा ना, जैसे कि मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्स वेरिएबल, सेलिंग के फिक्स वेरिएबल, वो सब कुछ प्लस किया। याद करो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में लास्ट में हम प्लस और माइनस करते हैं, ओवर वैल्यू ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हो तो हम प्लस करते हैं, अंडर वैल्यू लिखा हो तो माइनस करते हैं, पर यहाँ पे उसका उल्टा करेंगे, यानी कि ओवर वैल्यू लिखा हो ना तो हम माइनस करेंगे, अंडर वैल्यू लिखा हो तो प्लस करेंगे। क्यों ऐसा उल्टा काम करेंगे, क्योंकि हमें आंसर चाहिए टोटल कॉस्ट, किसका आंसर चाहिए टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट तक नहीं चाहिए, प्रॉफिट ढूंढना हो तो वो काम सही है, पर यहाँ पे अंडर लिखा है कि ओवर लिखा है, उसके लिए मुझे ये फैक्टरी फिक्स ओवरहेड 50,000 प्रीवियस स्टेटमेंट में लास्ट में जो हमने लिखी थी उसके साथ कंपेयर करो। प्रीवियस स्टेटमेंट में लास्ट में हमने कितनी लिखी थी फैक्टरी फिक्स, तो लास्ट में हमने फैक्टरी फिक्स लिखी थी 62,500, देखो कंपेयर करके लिखा रहा हूं, हमने 62,500 वहां पे लिखी थी, ठीक है, और यहां पर हमने 50,000 लिखी है, तो 50,000 एंड 62,500 के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, तो हमने यहां पे अंडर वैल्यू लिखा है, अंडर वैल्यू लिखा है फिर भी क्या करेंगे प्लस, तो ये मैंने किया अंडर वैल्यू ऑफ फैक्टरी फिक्स्ड ओवरहेड। चलो कितना अंडर वैल्यू लिखा है, आई थिंक 12,500, तो 12,500 में क्या करूंगा प्लस करूंगा, फिर से बता रहा हूं अंडर वैल्यू लिखा फिर भी हम प्लस कर रहे हैं क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट का आंसर चाहिए, तो अंडर वैल्यू ये मैं मना नहीं कर रहा हूं, यहां पे 50,000 लिखे हैं, प्रीवियस में मार्जिनल में 62,500 लिखे थे, यानी कि हमने यहां पे वैल्यू कम लिखा है, कम लिखा फिर भी क्या करेंगे प्लस। चलो फाइनल आंसर मुझे टोटल कॉस्ट का मिल रहा है यहां पे, और वो आंसर आपके लिए आएगा 5,35,000। तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट कॉस्ट का आंसर हमें प्रोवाइड कर रहा है, और इसी के साथ यहाँ पे हमारे आज के लेक्चर के जो भी अलग और सब थे वो यहीं पे कंप्लीट हो रहे हैं। चलो आज के लेक्चर में हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है, तो आज हम मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के यूनिवर्सिटी में जो एमसीक्यू पूछे गए आज उसकी बारी ले लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बारी फ्रॉम दिस चैप्टर वो कौन कौन सा है, तो सबसे पहला एमसीक्यू नंबर 1 जो मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन में से आ चुका है, प्रोडक्शन कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज, प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए हायर देन द वेरिएबल कॉस्टिंग, बी लोअर देन द वेरिएबल कॉस्टिंग, सी द इक्वल्स टू द वेरिएबल कॉस्टिंग, और डी ऑप्शन हायर समटाइम एंड लोअर समटाइम देन द वेरिएबल कॉस्टिंग। यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्शन कॉस्ट तो ऑलवेज हायर ही होती है ना, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में हम वेरिएबल एंड फिक्स दोनों कंसिडर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा हायर देन वेरिएबल कॉस्टिंग। चलिए सेकेंड नंबर एमसीक्यू देख लेते हैं, दूसरा एमसीक्यू,
dash is a differentiative cost into fixed cost and variable cost. यानी नीचे में से कौन सा ऑप्शन कॉस्ट एंड वेरिएबल एंड फिक्स दोनों को अलग रखता है. ऑप्शन है डिफरेंशियल कॉस्टिंग, ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ऑप्शन सी मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ऑप्शन डी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. तो वेरिएबल एंड फिक्स दोनों को अलग कौन रखता है, तो वो तो मार्जिनल में अलग से लिखी जाती है, ठीक है, दोनों साथ में कंबाइंडली नहीं लिखी जाती. चलिए एमसीक्यू नंबर थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट विल बी कैन डिराइव बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला. नीचे के फार्मूला से हमें क्या मिलता है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ये किसका फार्मूला है, ऑप्शन ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला है, बजटेड आउटपुट का फार्मूला है, या फिर ऑप्शन सी बजटेड प्रॉफिट का, या ऑप्शन डी ब्रेक इवन आउटपुट. तो ये फार्मूला ब्रेक इवन आउटपुट का है, राइट. तो हमने ये एक दो समय यूज़ किया हुआ है. तो टोटल फिक्स कॉस्ट को अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करो तो आपको ब्रेक इवन आउटपुट मिलता है. चलिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और उसमें ये वाले चैप्टर जो मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है और कौन कौन से एमसीक्यू पूछे. एमसीक्यू नंबर 4, इन विच मेथड फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कंसिडर फॉर द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. यानी क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम प्रोडक्शन में फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करते हैं. ए मार्जिनल कॉस्टिंग, बी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सी रिलेवेंट कॉस्टिंग, या डी ऑल ऑफ दी अबव. आंसर आएगा बी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल दोनों को कंसिडर करते हैं फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट और जो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए. अगर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक पूछा हो तो भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आएगा, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक आप फिक्स कॉस्ट को लेके ही एब्जॉर्प्शन में काम करते हो, ठीक है. चलो फिर उसके बाद नंबर 5, व्हेन द प्रोडक्शन वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर इंक्लूडिंग इन द कॉस्ट अकाउंट इज नोन एज. कॉस्ट अकाउंट में फिक्स एंड वेरिएबल दोनों को कौन सी मेथड कंसिडर करती है. अगेन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है, मार्जिनल कॉस्टिंग, बी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड डी नन ऑफ दी अबव. आंसर आएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. तो ऊपर वाला एमसीक्यू जैसा ही है, जिसमें फिक्स एंड वेरिएबल दोनों कंसिडर की जाती है वो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है. तो एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल के मीनिंग में से ही दो तीन तो एमसीक्यू वो लोग रखते हैं. चले एमसीक्यू नंबर 6, लास्ट एडवांटेजेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इंक्लूड्स. यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के क्या फायदे हैं. ए इट शोज द करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन, बी द हेल्प टू द कंफर्म विद अकाउंट अक्रूअल एंड मैचिंग द कंसेप्ट. वो अक्रूअल बेसिस लिखा जाता है एंड मैचिंग कंसेप्ट है. सी इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अ वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेंटरी. इन्वेंटरी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जिसको रिकॉग्नाइज किया है. और आंसर डी ऑल ऑफ दी अबव. तो ये तीनों के तीनों एडवांटेजेस है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के, इसलिए आंसर आएगा डी ऑल ऑफ दी अबव. और इसी के साथ जो भी थ्योरी एमसीक्यू थे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में वो यहाँ पे मैंने आपको कंसिडर कर दिए, ताकि आपको ये चैप्टर के एमसीक्यू के आंसर इजीली आ जाए. और इसके अलावा कई बार आपको जो दो हमने नोट्स बनाते हैं ना, फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड रेट, तो उसका फॉर्मूला आना चाहिए. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट की वाली नोट्स का भी एमसीक्यू पूछ सकता है. तो इस तरीके से आपको कोई भी एमसीक्यू पूछे कैलकुलेटिव तो भी आप आराम से कर पाओगे. तो ये जो हमारा चैप्टर है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन, आज मैंने दो सम करवाए और उसके साथ ये एमसीक्यू. तो आज के लेक्चर का काम यहीं तक रखता है. नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी. प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस.